देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ के पाठक बीपीएससी से चयनित हुए पहले फेज के जितने भी शिक्षक हैं, उन्हें जब शिक्षक बहाली के दौरान जो जो परेशानी हुई है, उस परेशानी को अब बीपीएससी दूसरे फेज के शिक्षक बहाली अभ्यर्थियों के लिए नहीं करना चाहते हैं। के पाठक ने एक फरमान जारी किया है और इस फरमान में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो जो परेशानी पहले फेज के अभ्यर्थियों को हुई थी बहाली के दौरान, वो दूसरे फेज के अभ्यर्थियों को नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक की ओर से चिट्ठी जारी किया गया है। कहा गया है कि आप अवगत हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति की अनुशंसा कर दी गई है। इसके तहत अभी तक 94,000 शिक्षकों को अनुशंसा प्राप्त हो गई है। शीघ्र बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE2 के पूरक परिणाम की घोषणा की जाएगी, जिसको मिलाकर ये संख्या 1,00,000 से पार हो जाएगा। इन अनुशंसाओं के अनुसार काउंसलिंग की भी प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। चिट्ठी में आगे लिखा है कि ये 8 जनवरी 2024 तक चलेगी। पूरक परीक्षा फल आने पर काउंसलिंग की तिथि बढ़ा दी जाएगी। काउंसलिंग के बाद इन सफल अभ्यर्थियों को तत्सत्त्व नियुक्ति पत्र 13 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों दे दिया जाएगा और इसके हेतु निर्देश आपको अगले से पूर्व से निर्गत करा चुका है। 2024 को तत्सत्त्व नियुक्ति पत्र देने के पश्चात इन विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय पदस्थापना करना होगा। विद्यालय पदस्थापना के पहले प्रत्येक विद्यालय में जाकर टीचर का रेशनलाइजेशन किया जाना आवश्यक है। रेशनलाइजेशन का अर्थ यह है कि हम प्रत्येक विद्यालय में जाएं और पता करें कि वहां पर छात्रों का नामांकन कितना है और उस अनुसार शिक्षक उपलब्ध हैं या नहीं। जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूर्व से निर्देशित किया जा चुका है कि इसके आलाकन कर अपना प्रस्ताव जिला पदाधिकारी के माध्यम से किया जा चुका है कि इसका आकलन कर अपना प्रस्ताव जिला पदाधिकारी के माध्यम से 15 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के बीच भेज दिया जाए। विभाग को प्राप्त जानकारी के अनुसार TRE1 में कई जिलों में रेशनलाइजेशन को ठीक से नहीं किया गया, यानी जिन स्कूलों में विद्यालय में अध्यापक प्राप्त संख्या में है वहां बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अध्यापक भी भेज दिए गए हैं। ऐसे स्कूलों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षक नहीं भेजे गए, जहाँ पूर्व से शिक्षकों की कमी है। तो एक तरफ जहां शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए और शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति है उसे पटरी पर लाने के लिए लगातार एक से एक बड़े प्रयास कर रहे हैं, और अब इस प्रयास के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब स्कूलों के रेशनलाइजेशन किए जाएंगे, यानी कि हर स्कूल में जाया जाएगा, बच्चे कितने हैं वहां पे, शिक्षक कितने हैं ये देखा जाएगा, और जिन स्कूलों में शिक्षक कम होंगे वहां पर बीपीएससी से जो नए चयनित शिक्षक है उन्हें भेजा जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना।